6 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को दिया है। अभी पुलिस की भर्ती हुई, 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो गई, बहुत जल्दी उसका परिणाम भी आने वाला है। बैनर भाइयों, 60,200 भर्ती एक साथ हो जाए, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का युवा उसमें भर्ती होगा और उसमें भी 15,000 को केवल बेटियां भर्ती होने वाली है। ये लोग समाजवादी पार्टी के सौदे और छिंकल लोग जगह जगह बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये बेटियां जब भर्ती होंगी, इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी, ये जब अपनी यूनिफॉर्म में आएगी, तीन गुंडों को सड़कों पर ही जूता चप्पल से इनकी पिटाई करके, ये जिसके हकदार है वह उसका मरम्मत करने का काम भी, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करने का काम भी करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब ये 60,200 भर्ती हम कर रहे हैं और जैसे भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी 40,000 इसके बाद फिर भर्ती करने जा रहे हैं, पुलिस में ही भर्ती करने जा रहे हैं, उसमें भी 10,000 केवल बेटियां भर्ती होंगी, याद रखना, बेटियों को उसमें भी हम भर्ती करने जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य भर्तियां भी निकलने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षाएं कुछ की हो चुकी, कुछ होने जा रही है, अगले 6 महीने के अंदर 40,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शिक्षा आयोग गठित हो चुका है, भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में हजारों भर्तियां इसमें भी आने जा रही हैं। जो मैंने कहा था ना कि अगले 2 वर्ष में 2 लाख भर्ती सरकारी नौकरियों में ही केवल हम लोग करने जा रहे हैं, मैं युवाओं का आह्वान करूंगा, तैयारी करिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी में रुचि नहीं, निजी क्षेत्र में रुचि है तो निजी क्षेत्र में भी 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया है। 40 लाख निजी निवेश का प्रस्ताव का मतलब आप जानते हैं, 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी, 1.5 करोड़ नौजवानों को।